और काम करते हैं। तो अगेन नर्व्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम भी ब्रेक किया था लेक्चर, उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इफ आई गो इनटू क्रिएट नर्व्स कर्व टू, यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास मौजूद है जिनके तहत हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूजली मैं ईपी कर्व टूल ही उठाते हैं, बेसीवी कर्व उठाते हैं, बेजियर कर्व, या फिर नर्व्स पिरामिड में आप जाओ तो आपको स्क्वायर और सर्कल दो टूल्स मिलते हैं। तो अगर आप सर्कल से उठा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक डिफॉल्ट में स्क्रीन के ऊपर सर्कल बन के हमारे पास आ जाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा किया, इसके आप चैनल बॉक्स में जब जाओगे तो यू वुड फाइंड नर्व्स कर्व, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि आ जाता है हमारे पास इसका स्वीप कि आपका सर्कल कहाँ से कहाँ तक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ हाफ आर्क चाहिए तो हम बड़ी आराम से ये चीज़ बना सकते हैं यहाँ पे, और उसको स्वीप को मैंने करा दिया 180 का मतलब ऊपर का आधा सर्कल हमारे पास आ जाएगा। अगर आप पूरा 360 सर्कल चाहिए तो बाय डिफॉल्ट पूरा 360 होता है। समटाइम्स मुझे सिर्फ एक कॉर्नर दिखाना होता है, मैं आर्च बना रहा हूँ, खिड़की का ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं, दरवाजे का ऐसा गोल चबूतरा बना रहे हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी आसानी से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल वापस 360 किया, और इसके आप नीचे आ जाए सेक्शन के अंदर, सेक्शन 8 है। सेक्शन का मतलब ये कि जब आप इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाएंगे तो आपको सिर्फ 8 वर्टेक्स नज़र आएंगे इसके ऊपर, जिनके थ्रू ही आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें और सेगमेंट चाहिए ताकि थोड़ा सा और डिटेल्स आप ऐड कर सकें, तो यू कैन इंक्रीज द सेगमेंट सेक्शंस 12 फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कर दिया, तो इसका मतलब ये कि उसमें वर्टेक्स बढ़ जाएंगे जिनके तहत वो शेप काम कर रहा है। बिल्कुल पॉलीगॉन्स की तरह से ही, जैसे हम पॉलीगॉन्स में एजेस और वर्टेक्स बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेक्शंस के अगर सर्किल के वो कंट्रोल होते हैं। दूसरा, नर्व्स की ज्योमेट्री के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो तीसरी चीज़ होती है कि उसकी डिग्री क्या। बाय डिफॉल्ट उसकी जो डिग्री है वो लीनियर क्यूबिक होती है, मींस और एक क्यूबिकली स्मूथ सरफेस काउंटर होता है। अगर आपने इसको लीनियर कर दिया तो बेसिकली नाउ यू कैन सी दिस कि उसके हार्ड एजेस हो जाएंगी, वो बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट 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 पॉइंट होगा, और उसकी वो स्मूदिंग कर वो ख़त्म हो जाएगी। तो समटाइम्स आपको इस तरह का सर्फेस चाहिए जिसमें ज्योमेट्री आपकी हार्ड सर्फेस की हो जाए तो आप हार्ड कर देते हैं। समटाइम्स इसको मुझे जो है वो कंट्रोल वर्टेक्स के थ्रू जो है वो स्मूथ करना होता है, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको स्मूथ करा दूंगा क्यूबिक में, ताकि वो ज्योमेट्री हमारी स्मूथ हो जाए। फिलहाल मैंने इसको स्मूथ ही रखा, फिर इसको यहाँ पर किया कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, और इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पर लेकर आ गया। इसी तरह से इसकी कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट मैंने यहाँ पर रखी, राइट क्लिक किया कंट्रोल वर्टेक्स, या इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके हमने थोड़ा सा इसकी साइज़ को कम करा दिया, एंड इसको वापस मैंने नीचे रखा वो करते हुए, एंड देन कंट्रोल डी अगेन करते हुए इसको हम ऊपर ले गए। ठीक, और कंट्रोल डी करते हुए हम इसको एक और ऊपर ले गए, और अब की बात होता है इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करा दिया और बाहर ले आए। इसी तरह हल्की रोटेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं, कंट्रोल डी, और एक और डुप्लीकेट लिया, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर लेकर आ गए, एंड दिस टाइम अगेन हल्की सी और रोटेशन कर दी। ठीक है, कंट्रोल डी एक और दफ़ा, और इसको मैं वापस इधर ले आया, और अब की बात जो रोटेशन थी वो कम्प्लीटली आई विल मेक श्योर कि 90 डिग्रीज में हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक राउंड सा पाइप बनाना चाह रहा हूँ जो कि शेप चेंज करता हुआ जा रहा है, एंड वापस यहाँ पे आते हुए फिर हम इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करा दिया, एंड कंट्रोल डी, इसको एक और डुप्लीकेट दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी एक और डुप्लीकेट देते हुए मैंने कम करा दिया, कंट्रोल डी, और फिर मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस तरह से डुप्लीकेट 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 करते रिंग्स बना दी, फिर एक इसको सेलेक्ट किया, एक इसको सेलेक्ट किया, देन सीक्वेंस में जिस तरह से हमने बनाया था, मेक श्योर करो आप उसको उसी सीक्वेंस में उसी तरतीब में सेलेक्ट करो, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर। ये अक्सर लोगों से मेन्यू मिस हो रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है बार बार, सेलेक्ट ऑन द पॉलीगॉन मेन्यू, गो इनटू सरफेस, एंड आई विल चूज ऑप्शन लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या करेगा कि इन सर्किल्स को जोड़ते हुए पूरी सी हमारे पाइप में सर्फेस जो है वो बना के दे देगी। ठीक है, तो ये पाइप हो गया या नलका हो गया या कोई भी ऐसे राउंड स्मूथ सर्फेस है जो कि टर्न हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, इसमें कुछ सेगमेंट्स इस तरह से हमारे पास बन रहे हैं, तो बड़ी आराम से हम इस तरह की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पिलर्स आ गए, कोई भी चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं, दरवाजे की कुंडे आ गए, लॉक हो गया, तो वी कैन वेरी इजीली क्रिएट दिस यूजिंग नर्व्स कर्व। और ये पॉलीगॉन से बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, नर्व से सर्कल से बनाने में चीज़ बड़ी आसानी से हमारे पास बनकर आ जाती है। आई कैन यूज़ दिस सर्फेस हियर, बेसिकली मैंने किया था, लेट मी ब्रेक इट डाउन। हमने एक सर्किल बनाया, दूसरा सर्किल बनाया, दो डुप्लीकेट्स बनाए एग्जैक्टली। तो जब आप लॉफ्ट करोगे ना तो बेसिकली लॉफ्ट क्या करता है कि इन दो सर्फेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। फिर आपने अगर उसमें से एक दो और तीसरा सर्फेस बनाई और उसकी मैंने रेडियस थोड़ा सा कम कर दिया, तो अब होगा ये कि पहला सर्फेस से दूसरी सर्फेस और दूसरी से तीसरी, जितने कर्व आपने सेलेक्ट किए हुए लॉफ्ट लॉफ्ट से कनेक्ट करता हुआ जाएगा।
एक दो तीन हमने यहाँ पे सर्किल उठाया, सरफेस में गया, मैंने लॉफ्ट किया, तो अब उसने एक दो तीन कनेक्ट भी किया और फिर कनेक्शन की वजह से क्योंकि क्यूबिक है हमारे पास सरफेस, तो वो स्मूथ उसको करने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मैंने सिर्फ ये पैटर्न दिमाग में जो बनाया हुआ था कि एक से इधर यहाँ से इधर सरफेस छोटा हो जाएगा अचानक से, और फिर छोटी सर्फेस सर्किल को मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे पास बनता हुआ चला गया जैसे मैंने यहाँ पर उठा के बनाने की। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस तरह का बम्प देना था तो सर्किल इधर आया, फिर यहाँ पे आने के बाद उसका रेडियस मैंने बड़ा कर दिया, फिर ये दो सर्किल सेम रेडियस के अचानक से रेडियस कम कर दिया, जब ये बिल्कुल करीब में आएगा ना तो इफ़ आई मूव दिस सीरीज उसके पीछे का शेप चेंज हो रहा है। तो कभी कभी हमें बिल्कुल इस तरह का सर्फेस चाहिए, नलका आ रहा है, नॉब आ रही है, दरवाजे का हैंडल आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको दूर रखोगे जितना करीब करोगे उतना उसमें जो कट है वो आपके पास शार्प आ जाएगा हमारे पास। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या बनाना चाह रहे हो, किस पैटर्न का बनाना चाह रहे हो, दिस ऑल वर्क्स विद दैट। इसी तरह से मैं इसको भी उठा के यहाँ पे ले आ सकता हूँ अगर मुझे दोनों तरफ में वो चाहिए, तो गन हो गई फॉर एग्जांपल, तो उसका बॉडी मुझे इस तरह से निकाल दिए, आई कैन यूज दैट हियर एज वेल, ठीक है। तो बनाने के बाद फिर हम इसको ऑब्वियसली फिर आई कैन डू मोर एडिटिंग विद दैट, मैंने कंट्रोल वर्टेक्स ऐड किए थे तो एक वर्टेक्स और फिर दूसरा वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर दिया, तीसरा मैं हर अल्टरनेट वर्टेक्स सेलेक्ट कर दी, ठीक है। और फिर स्केल में जाके इफ आई मूव इट लाइक दैट और डू दैट, तो यू कैन सी कि अब उसका जो पैटर्न है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इवन हम फेस मॉडलिंग में भी इस तरह से कर सकते हैं, इसमें ज्योमेट्रीज के अंदर हम सेगमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें थोड़ी रैंडमनेस ऐड करने के लिए, और हम उसमें बम्प वगैरह डालना चाहें या कुछ भी इस तरह का सरफेस होनी कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी राउंड इतनी स्मूथ ना लगे और पाइप थोड़ा सा हैंडल थोड़ा सा लगे, ये चीज़ हम पॉलीगॉन से नर्व से बड़ी आराम से हमारे पास इस तरह से बन जाती है। और ये लॉफ्ट के थ्रू हम बड़ा आराम से कर सकते हैं, रिमेंबर लॉफ्ट के थ्रू आप किसी भी शेप्स को लॉफ्ट कर सकते हो, इवन कार की बॉडी है उसके सिर्फ आपको आउटर कर्व्स बनाने एंड देन यू कैन लॉफ्ट दैट कर्व्स टुगेदर, ठीक। तो वो आराम से कार का साइड पैनल हमारे पास बन सकता है, उस तरह से पूरी कार को बना सकते हैं, वो फिर किसी और टाइम पर पूरी कार मॉडलिंग के हम डिटेल में जाएंगे, बट दिस बिकम्स लॉफ्ट। अब जो दूसरा आपका सवाल था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ज्योमेट्री बना ली, इस ज्योमेट्री को मुझे पॉलीगॉन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, और हाउ डू आई डू दैट, वंस आई हैव दिस ज्योमेट्री तो मैं इसको पॉलीगॉन के अंदर कन्वर्ट कैसे करूँ। उसके लिए एक्चुअली बहुत सिंपल सा माया में टूल है, वी गो इनटू मॉडिफाई, कन्वर्ट का एक ऑप्शन है और यहाँ पे हमें नर्व्स टू पॉलीगॉन का ऑप्शन मिलेगा। सो इफ आई क्लिक ऑन ऑप्शन बॉक्स तो मेरे पास सेटिंग्स आ जाएंगी इसकी, एडिट रीसेट सेटिंग्स यूजली मैं कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस सेटिंग्स मेरे पास सेव हो जाती है इसमें, तो वो आपके हमने की। अगेन वी गो इनटू मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन के हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आई सेलेक्ट ऑन दिस तो मेरे पास मेन्यू आ जाएगा, अगर ऑप्शन में जाना लाजमी है क्योंकि इसकी सेटिंग्स हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सेटिंग में सबसे पहले आता है टाइप ट्राइंगल, के दिस शुड बी अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल भी रख के हम छोड़ देंगे तो बेसिकली अप्लाई किया जो डिफॉल्ट सेटिंग है तो आपको कुछ इस तरह का ज्योमेट्री मिलेगी जो कि बड़ी, अगर आपने सॉलिड हटा दी तो वैसे बाजार आपको सेम लगेगी, लेकिन इफ़ यू सेलेक्ट दिस यू विल फाइंड कि एवरी फेस इज ट्राइंगुलेटेड, हर फेस आपके पास ट्राइंगल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर आगे एडिटिंग करना, काम करना, फॉर एग्जांपल मुझे अब इसमें छोटे अगर दरवाजा है तो हैंडल लगाने हैं या पाइप में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, तो मैं इस पर काम नहीं करता, लेकिन ये एक ट्राइंगुलेटेड डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ जाता है, इसको मैंने साइड में रखा। दूसरा ऑप्शन फिर ये होता है कि मैं इस पर सिंपली सेटिंग्स में आकर क्वार्ट्ज करूँ, ठीक है। क्वार्ट्ज करते हुए मैंने अप्लाई किया, अब बेसिकली यू वुड फाइंड के इट हैज़ डन ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन अब उसने आराम से थोड़ा सा साफ और नीट एंड क्लीन ज्योमेट्री हमें बना के दी है। ट्राइंगुलेटेड और क्वार्ट्ज में बेसिकली कोई फर्क नहीं होगा, आउटपुट में अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ऑलमोस्ट सेम शेप होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें जो क्वार्ट्ज होंगे क्वार्ट्ज मीन्स चकोर फेस, इसमें ट्राइंगुलेटेड फेस होंगे मीन्स तिकोने फेस बने होंगे। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हो और किसके ऊपर मोस्टली काम करते हैं, लेकिन एज वी नो पॉलीगॉन्स के हिसाब से हमें सबसे आसान जो चीज़ लगती है वो क्वार्ट्ज के ऊपर काम करना, ताकि हम आराम से फेस को एक्सट्रूड वगैरह कर सकें। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जिसके तहत आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेक श्योर आपने क्वार्ट्ज, फिर इसको एक्चुअली आप कस्टमाइज भी कर सकते हो फर्दर। कस्टमाइज का मतलब ये कि इसमें जिस टाइम जो टेसिलेशन मेथड है वो जनरल लिया हुआ है। टेसिलेशन मीन्स के ये कन्वर्जन में कैसे करूँ, ठीक है, कि इस नर्व्स की ज्योमेट्री के मैं फेसेस पॉलीगॉन के कैसे बनाऊँ, और उसके इसने एक्चुअली चार मेथड्स दिए हैं। एक तो है कंट्रोल पॉइंट्स का, और कंट्रोल पॉइंट्स का बेसिकली मतलब ये जब आप क्लिक करोगे सारे ऑप्शन गायब हो गए, क्लिक ऑन किया इस पे तो इसने कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपको दे दी, ठीक है। ये कम्प्लीटली आपको लगेगा यार ये तो पता नहीं क्या उसने बना दिया, लेकिन एक्चुअली उसने जो बनाया था वो इसके अगर आप होल्स में जाओ तो उसके वो एजेस और होल्स के हिसाब से इसने इस ज्योमेट्री को क्रिएट किया है।
इसका पर्पस आता है जब आप फेस मॉडल करने जाते हो तो हम अमूमन फिर उसको कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल करते हैं ताकि मैं ज़्यादा उसमें डिटेल जो है बाद में ऐड कर सकूँ। वंस डिटेल ऐड हो गई तो फिर उसके बाद में एडिट मैश मैश में जाके उसको स्मूथ कर दूँ। तो जब हम इसको स्मूथ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसी तर्ज का एक सही शेप आ जाएगा। तो ये उस सेंस में होता है कि जब आपने और उसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है और उसके बाद आप उसको स्मूदिंग करोगे, जैसे फेस में हम नॉर्मली करते हैं, हम लो पॉली बनाते हैं पहले और फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको सेगमेंट बढ़ाते आते हैं, फेस को बढ़ाते आते हैं और फिर स्मूथ कर देते हैं ताकि बड़ा नाइस और क्लीन सर्फेस बन जाए। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स एक्चुअली उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको जो है इसको स्मूथ करना है। तो उसका एक समझे अनदर वर्ड्स इसी चीज़ का एक लो पॉली वर्जन आ जाता है। इसमें अभी सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सेगमेंट्स चेक करने के लिए हम जाते हैं डिस्प्ले में, सॉरी इफ यू गो टू डिस्प्ले हेड्स अप डिस्प्ले तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पॉली काउंट का, ठीक है। इस पॉली काउंट को आप ऑन कर दो, अगेन डिस्प्ले में गए हेड्स अप डिस्प्ले और हमने पॉली काउंट को ऑन कर दिया। जब आप पॉली काउंट ऑन करोगे तो आपके व्यू पॉइंट के ऊपर कुछ नंबर्स आ जाएंगे। ये नंबर्स बेसिकली बताते हैं कि आपका जो इस वक्त सीन है, इस पूरे सीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ फेसेस या एजेस और वर्टेक्स कितने मौजूद हैं। तो अगर मैं ज्योमेट्री इसको सेलेक्ट करूँ तो इसके अंदर अब सेकंड कॉलम बताता है कि टोटल 414 फेसेस आपने बनाए हुए हैं या एजेस के हिसाब से आ जाए तो 890 एजेस हैं इसमें। इफ आई कम इनटू दिस मंथ, इसके अंदर उसने 900 फेसेस बनाए हुए, इसके अंदर 414 थे और जब मैं इसके ऊपर आ जाऊँ इसके अंदर सिर्फ 144। ये बेसिकली बहुत लो पॉली बन जाता है, इसके अंदर सिर्फ 144 फेसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक 414 किया, लेकिन ये इस पर्पज़ के लिए कि आपको उसको स्मूथ करना पड़ेगा। समटाइम्स मैं गेम के लिए मॉडल बना रहा हूँ तो मुझे स्मूथ की जरूरत नहीं पड़ती और मुझे लो पॉली सेगमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर अगेन कंट्रोल पॉइंट्स बहुत फायदेमंद है। फिर तीसरा मेथड है काउंट का। काउंट क्या करेगा कि भाई आपसे खुद पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि इसमें पॉलीगॉन्स आपको कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 250, मुझे सिर्फ इसमें 250 पॉलीगॉन्स चाहिए, आई हिट अप्लाई, तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि इस 250 के आसपास नंबर रखते हुए मैं इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करूँ। अगेन मैंने यहाँ पे क्वार्ट्स ऑलरेडी किया हुआ है, इस वजह से क्वार्ट्स में और 250 पॉलीगॉन के हिसाब से करीब फिक्स नहीं करेगा, करीब करीब बनाएगा। इफ आई सेलेक्ट दिस और मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने व्यू पॉइंट में, देखो इसमें 260 इसने फेसेस दिए, ठीक है। ठीक, तो इसमें उसने 250 पॉलीगॉन्स उसने रखे हुए हैं इसके अंदर ताकि आप कंट्रोल कर सको। नाउ यू कैन सी दिस इट हैज द बेस्ट लुकिंग शेप, वो आराम से उसको बेस्ट अप्रॉक्सीमेटली दे रहा है, लेकिन फिर भी इस नर्व्स के अंदर बहुत डिटेल है जो डिटेल यहाँ पे गायब हो रही है कहीं ना कहीं हमारे पास, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे जा रही है, वजह उसकी ये कि ये पॉलीगॉन है, ये वर्टेक्स के हिसाब से काम करता है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो फिर आपको नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको उठाया, अगेन इसको भी हमने साइड में करा दिया, इसको उठा के पॉलीगॉन्स मैंने 1000 दे दिए, इसको 1000 पॉलीगॉन्स बनाओ, तो अब वो बेस्ट मैक्सिमम कोशिश करेगा कि उसके हिसाब से मैं उस कन्वर्जन करने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरे पास पॉलीगॉन ज़्यादा आ गए। रिमेंबर जितने ज़्यादा पॉलीगॉन्स होंगे उतनी ही एक्यूरेटली वो डिटेल्स ऐड करेगा और उसको मैच करने की कोशिश करेगा। इसमें उसने मैच कम किया है क्योंकि इसमें सिर्फ 250 पॉलीगॉन्स हैं, इसके अंदर 1000 पॉलीगॉन्स हैं, तो उसको उसने थोड़ी सी डिटेलिंग के हिसाब से ज़्यादा दी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किस पर्पज़ के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजे का हैंडल है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतनी दूर से नज़र आएगा दरवाजे का, ठीक है, क्योंकि हम जब सीन में स्टोरी बोर्डिंग करते हैं दरवाजे का हैंडल इतना सा और इतनी दूर से नजर आएगा। तो अब इसमें आप नोट करो कि आपको पता नहीं चल रहा क्या किस ये 1000 पॉलीगॉन वाला है या ये 250 पॉलीगॉन वाला है, दोनों में फर्क दूर से बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, तो फिर क्या फायदा इतना लंबा बनाने का। तो हम कन्वर्जन करते हैं तो बेसिकली नर्व्स के साथ हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा आउटपुट होगा किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोर का हैंडल है वो इतनी ही दूर से मुझे नज़र आएगा तो उसको मैं 1000 पॉलीगॉन वाला बनाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो दूर से भी 250 वाला भी वही चीज़ दे रहा है। और 1000 बनाने का मतलब ये कि मैंने अपने सीन के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट्स रख दिए जो रेंडरिंग में और आउटपुट में और मेरे सिस्टम को स्लो करेंगे और ग्रो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना हमें थोड़ा सा चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऑब्जेक्ट मेरा इस कैमरा के कितने करीब होगा, उस हिसाब से मैं इसको डिटेल्स ऐड करता हूँ। जितना ऑब्जेक्ट कैमरा से दूर होगा तो उतना उसकी ज़्यादा डिटेलिंग हमें बारीकी नज़र ही नहीं आनी, उसमें फिर उतनी ज़्यादा लेवल की डिटेल्स ऐड करने का कोई फ़ायदा या कोई तुक नहीं रहे, ठीक। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई ग्लास है, जग है, जग का हैंडल है जो यूज़र ने हाथ में पकड़ा हुआ और कैमरा फोकस किया हुआ उसके बिल्कुल सामने, तो नाउ आई वॉन्टेड टू बी हैविंग अ गुड डिटेल, तो फिर उसमें मैं इसमें हायर नंबर ऑफ सेगमेंट्स रख सकता हूँ। लेकिन अगर वो दूर से एक हैंडल है और दरवाजा नज़र आ रहा है, यू कैन फाइंड के 250 वाले ने भी वही रिजल्ट देना है जो मुझे 1000 वाले ने देना है, तो कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ता उसमें।
ठीक, तो उस वजह से हम इसमें पे कंट्रोल, इसी वजह से काउंट जो है वो फिर उसका पर्पज इस वजह से आ जाता है कि यू कैन कंट्रोल कि आपको सेगमेंट्स कितने होने चाहिए। अगर वो दूर से सिर्फ एक चीज़ है तो हम उसको हटा देते हैं, वरना उसको सेम रख रहे होते हैं। इसी तरह से फिर इस जनरल फिट और स्टैंडर्ड फिट जो है ये फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए जनरेट करते हैं कि आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स एग्जैक्टली कितने होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम काम करते हैं तो एक बात इंक्रीज दिस मेन्यू, तो इसमें दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं कि यू टाइप एंड वी टाइप। यू टाइप का मतलब ये कि इसकी यू डायरेक्शन और ये वी डायरेक्शन। यू डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइसोपॉम्स के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे स्पैन सरफेस आइसोपॉम, राइट, तो ये इसका मतलब ये है कि पर सरफेस नंबर ऑफ आइसोपॉम्स के, अगर एक आइसोपॉम यहाँ पर है तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे तीन एजेस ऐड करूँगा पॉलीगॉन की। और अगर इसी तरह से पर सरफेस आइसोपॉम एक्सक्यूज मी वी टाइप में है तो एक ये आइसोपॉम हमारा, इसको जो लाइन आ रही है इसको आइसोपॉम कहते हैं नर्व्स के अंदर, ये आइसोपॉम्स है हमारे पास, ठीक है। पॉलीगॉन में एजेस कहलाती हैं, लेकिन वो क्योंकि अलग अलग एज होती हैं। नर्व्स के अंदर ये पूरा एक ही टुकड़ा है, उस एक टुकड़े को हम जब होल में जाते हैं तो ये सारा होल के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम वर्टेक्स में आते हैं तो इसकी वर्टेक्स अलग अलग आती है। तो अब जब इनको कन्वर्जन में जब बात करने आता है ना, तो इस आइसोपॉम के हिसाब से एक्चुअली वो कैलकुलेट करता है कि अगर एक आइसोपॉम है नर्व्स का, तो उस एक आइसोपॉम के इर्द गिर्द में तीन सेगमेंट्स बनाऊँ हमारे पॉलीगॉन के, और यू और वी डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सा रिजल्ट जो है उसके हिसाब से मैच करना पड़ जाता है कि कितने मुझे चाहिए। इफ आई क्लिक एंड मूव हियर, तो उसने बेसिकली कुछ इस तरह की हरकत कर दी। एंड आई डोंट नो व्हाई ये रहना चाहिए इसको, एक मिनट में इसका ये ऑप्शन उठा के अप्लाई करूँ। ठीक, वो ऑप्शन उल्टा हो गया, राइट, ठीक। मैंने एक्चुअली पर स्पैन और नंबर ऑफ आइसोपॉम्स हम उठाते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है सरफेस का, थोड़ा सा मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो अजीब से बना देता है। स्पैन में बेसिकली अब उसने वही किया कि एक की जगह पे तीन बना दिए, फिर इस एक की जगह पे तीन, फिर इस एक की जगह पे तीन, तो हमारे पास टोटल 1080 पॉलीगॉन्स आ गए। एंड दिस गिव्स अस ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्व्स टू पॉली। तो अगर हमें बिल्कुल सेम बनानी है तो ये चीज़ आ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इसको फिर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वन ऑन वन भी हमने कर दिया, तो ये बेसिकली अब करेगा कि जहाँ पे एक सेगमेंट, अगेन मैंने स्पैन नंबर ऑफ आइसोपॉम्स किया हुआ एंड हिट अप्लाई, और वो एक एक के हिसाब से काम करेगा कि जहाँ पे सेगमेंट्स था उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल इसको मैं ज़रा साइड में ले गया, इस वर्जन को वापस हम कहाँ गए इसका इधर लिया, ठीक। एंड नाउ इफ आई कम बैक हियर, तो नाउ यू कैन सी दिस के जहाँ पे आइसोपॉम था एक, वहीं पे एक एज आ गई, जहाँ पे एक आइसोपॉम था वहीं पे एक एज आ गई। तो ये एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट हो गया उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट्स के साथ। तो इसके अंदर अभी 120 हमारे पास फेसेस आ गए। सो समटाइम्स दिस ऑल्सो मे वर्क अगर आपको लो पॉली ऑब्जेक्ट चाहिए जो दूर से नज़र आना चाहिए। मोस्टली मैं जो है वो फिर इसी तरह से हम काम करते हैं, आइसोपॉम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कितने होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करके डिपेंडिंग ऑन माई ज्योमेट्री आई कैन गो इन टू 2x2 एंड क्लिक, दिस वुड गिव रफली अगेन सेम थिंग 480 तक बना के दे देगा, जो हम जब नॉर्मल स्टैंडर्ड फिट करते हैं उससे भी तकरीबन कोई यही रेशो हमारे पास आ जाता है। तो बहरहाल यू कैन सी दिस आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट सेटिंग्स डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। यूजली जब आपको लो पॉली पे काम करके इसको स्मूथ करना है तो हम कंट्रोल पॉइंट्स को प्रेफर करते हैं, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन यू, आप जनरल फिट में भी करके टू लो पॉली निकाल सकते हो या वन बाय वन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जैसे बिल्कुल वन बाय वन आ गया, अब इसमें आप सेगमेंट्स बढ़ाते चले गए, तो दिस ऑल्सो वर्क्स अलॉट फॉर मी कि मैं समटाइम्स को वन बाय वन कर देते हैं, स्पेशली जब हम कार मॉडल कर रहे हैं या फेस मॉडल जब मैं करते हैं तो फिर हम पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर नर्व कर्व से बनाना आसान हो जाता है, और फिर आगे बाकी जो डिटेलिंग वगैरह होती है फेस की उसको फिर मैं वन बाय वन कन्वर्जन करते हुए हम एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट ले आते हैं, और फिर आप इसको यहीं से कंटिन्यू करके फाइनली फिर स्मूथ कर देंगे तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत हर फेस अब स्मूथ आ जाता है हमारे पास, ठीक। तो ये बेसिकली नर्व्स को कन्वर्ट करने का हो गया एक ऑप्शन। इसी तरह से मैं एक और ऑप्शन आपको बता देते हैं, अपने हम काम करते हैं ठीक। फॉर एग्जाम्पल जब हम टेक्स्ट पे काम करते हैं तो इफ आई कम इनटू क्रिएट टेक्स्ट ऑप्शन बॉक्स, ठीक, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, एडिट रीसेट सेटिंग्स, और फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया इसमें जिहान अकेडमी का। तो अब अगर आप बाय डिफॉल्ट कर्व्स करोगे हिट अप्लाई तो आपको वो कर्व्स बना के दे देगा, ठीक है। एंड नाउ यू कैन यूज दिस कर्व्स फॉर वट एवर पर्पज यू वॉन्ट, और जिस तरह से भी आप चाहो उसको बना सकते हो। एक ऑप्शन ये आ गया, दूसरा इसमें ऑप्शन ये आ जाता है कि इफ आई मूव दिस कर्व्स अ लिटिल बिट बैक, प्रिंट सरफेस का।
अगर आप ट्रिम सरफेस करोगे तो बेसिकली वो क्या करेगा कि इसी नर्व्स के ऊपर एक ट्रिम्ड प्लेनर सरफेस ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन ऐड किया हुआ है, कुछ फेसेस रिवर्स हो गए, मैं बताता हूँ उसको करेक्ट कैसे करना है। दिस ट्रिम्ड सरफेस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू के जब आप पॉलीगॉन में नर्व्स में जाकर खुद से अगर ये करना चाहो तो आपने नर्व्स को सेलेक्ट किया और सरफेस में गए और हिट प्लेनर, जब प्लेनर हिट करोगे तो ये देखो आपकी सर्फेस बन गई। ठीक है, सो समटाइम्स हम इस तरह से काम करते हैं कि मैं आई सेलेक्ट दीज टू कर्व्स, ठीक है, और फिर हम सरफेस में जाके उसको प्लेनर कर देते हैं, तो हमें प्लेनर सरफेस बना के दे देता है। इस वक्त उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, और डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आप वो पॉलीगॉन किया सेलेक्ट, मैंने मैश डिस्प्ले में गए माया के जो पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर है, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है रिवर्स का, इफ आई क्लिक ऑन दिस रिवर्स, नहीं रिवर्स नहीं किया, सेट टू फेसेस ये भी नहीं हुआ, एक मिनट ठीक, अमूमन बेसिकली रिवर्स से काम होना चाहिए, नहीं कर रहा तो एक मिनट चेक करते हैं, कन्फर्म रिवर्स, करंट सिलेक्शन डज नॉट मैच द रिक्वायर्ड सिलेक्शन टाइप, क्यों भाई, अच्छा मैंने कुछ और सेलेक्ट कर दिया था, चाहिए लेट मी जस्ट चेक विद दिस, सरफेस में आए और प्लेनर किया, इस प्लेन को हमने किया सेलेक्ट। अच्छा दूसरा, क्योंकि जब आप यहाँ से इस तरह से सरफेस बनाते हैं ना, जैसे यहाँ बनाई, या अगर मैंने एस में गए नर्व्स में गया और मैंने प्लेनर बना दी तो सरफेस तो बन गई, ख्याल ये रखो कि क्योंकि ये सरफेस एक और कर्व से माया ने ऑटो जनरेट करके बनाई है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक इस तरह से इशू हो सकता है कि आपका सरफेस ब्लैक हो गई, दूसरा उसका पिवट पॉइंट उसके गिर्द नहीं होगा, तो अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करूँ तो वो डब्ल्यू प्रेस करने से उसका पिवट पॉइंट वहाँ पर नहीं होगा, पिवट पॉइंट इस बेचारे का मौजूद है यहाँ पर एक्स वाई जी के ऊपर 0 0 के ऊपर, पिवट पॉइंट मीन सेंटर, जब आप इसको मूव करना चाह रहे हो डब्ल्यू से भी यू कैन नॉट मूव इट बिकॉज उसका पिवट पॉइंट यहाँ मौजूद है, तो उसको वापस करने के लिए मॉडिफाई सेंटर पिवट, मॉडिफाई में जाकर सेंटर पिवट करते हैं ताकि पिवट पॉइंट उसका हमारे पास सेंटर पर आ जाए, ये एक बड़ा हैंडी टूल है जिसको आपको यूज़ करना पड़ता है, मॉडिफाई सेंटर पिवट, पिवट पॉइंट इसके सेंटर पे हो जाए, मैंने नर्व्स की सरफेस सेलेक्ट की, ये तो सही आ गई, ये भाईजान पता नहीं क्यों उल्टी आए, उमूमन फिर अगर फिर चेक दिस कि वो सरफेस बेसिकली उल्टी हो गई है ना, मेरा उसके नॉर्मल जो हमारे पास फ्लिप हो गए दूसरी साइड पे चले गए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसको करेक्ट करने के लिए नर्व्स मैश डिस्प्ले, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसके हम उसकी सरफेस को रिवर्स करते हैं, कहीं भी कालापन आ जाता है तो उसको सही करते हैं, रिवर्स से मतलब हम उसके नॉर्मल्स के डायरेक्शन को रिवर्स करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो जाना चाहिए, अगर रिवर्स से नहीं होता तो सेट टू फेसेस कर देते हैं, ये भी नहीं हो रहा तो सेट वर्टेक्स टू नॉर्मल, ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी पता ये चल रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं रही, क्यों नहीं हो रही मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, usually this one of these options should work. ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा है फॉर दैट पर्पस, चले अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर दूसरा तरीका मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये ज्योमेट्री हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास वो मौजूद है ज्योमेट्री, तो हम इसको अच्छा बेसिकली जब हम ज्योमेट्री बना रहे हैं तो ये नर्व्स की ज्योमेट्री है, पॉलीगोनल फेस नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे पास इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक ओके 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 ठीक है, तो ये नर्व्स की ज्योमेट्री आ गई, और आप फिर इस तरह से नर्व्स को इसीलिए यूज़ करते हैं कि वी कैन, अगर मुझे एनिमेटेबल कैरेक्टर्स बनाने हैं तो मैं बड़ी आराम से एनिमेट कर सकता हूँ, सॉफ्ट कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है गॉट इट, अगर मुझे इसको वो करना है तो मैं वापस आ जाऊँगा सरफेस प्लेनर के ऑप्शंस में आया, तो तकरीबन जितने भी नर्व्स के टूल्स आपको मिलेंगे जब आप उनके ऑप्शंस में जाओगे तो आपको यही पॉलीगॉन कन्वर्जन जो कि हमने नर्व्स टू पॉली को किया था उस ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो इस वक्त आउटपुट ज्योमेट्री नर्व्स है, जब आप पॉलीगॉन में करोगे तो यू वुड फाइंड कि सेम मेन्यू जो हमने मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन में मेन्यू देखा था, ये वही मेन्यू जो है हमारे पास अब आपको सरफेस प्लेनर ऑप्शन बॉक्स और जब आप पॉलीगॉन करोगे तो आ जाएगा, मीन्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपके पास क्वाड्स होने चाहिए, जनरल फिट करना चाह रहे हैं या काउंट के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं, मैं अगर काउंट के हिसाब से काम करूं, अप्लाई करूं, अब मेरे पास ज्योमेट्री पॉलीगॉन आ गई, मॉडिफाई में जाके मैंने सेंटर पिवट कर दिया ताकि पिवट पॉइंट सेंटर पर आ जाए, एंड नाउ आई कैन एक्चुअली होपफुली इफ आई गो इनटू डिस्प्ले, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो सीधे ये ब्लैक हो गया, और मैं मिसमेंट में जाके वापस रिवर्स कर दूं तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक ओके माय मिस्टेक, नर्व्स की डायरेक्शन को फ्लिप करने के लिए फिर आई थिंक हमें कुछ और हरकत करनी पड़ती है नर्व्स में जाके,
I will get back to that later on. यहाँ पे rebuild का option है या reverse direction का, I think that should work. Yes, that will go. चलो ये भी आसानी से हो गया. So if I select this geometry, अगर nerves आप बना रहे हैं उसकी direction flip हो गई है, so you can go into surface. At the bottom there is called reverse direction. You use that and आपकी geometry correct हो जाएगी. Polygon है तो आप polygon बना सकते हो. Then for example मुझे इसको एक thick surface बनानी है. For example this, if I see this, if I move this, ये बड़ा पतला सा size नजर आ रहा है. तो हम इसको सिंपली फिर सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड करवा सकते हैं एंड आई हैव एन एक्सट्रूडेड रिवॉल्व सरफेस एज वेल. तो इस तरह से आप एक नर्व्स के कर्व में से एक थिक सरफेस से जो ज्योमेट्री भी बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू. तो ये हो गया था एक ऑप्शन, एडिट नर्व्स, क्रिएट टेक्स्ट टूल. और आप डायरेक्ट यहाँ से पॉलीगॉन भी बना सकते हो कि भाई मुझे पॉलीगॉन दो. पहले हमने ट्रिम सरफेस बनाई थी, जब आप पॉलीगॉन बनाओगे तब भी वही ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि आपको पॉड्स चाहिए, जनरल फिट, स्टैंडर्ड फिट, किस तरह की ज्योमेट्री चाहिए. फिर भी मैं इसको वही कह दूंगा कि यार फॉर एग्जांपल मुझे 50 की पॉलीगॉन्स दो काउंट के हिसाब से. इफ आई हिट अप्लाई एंड W, तो बेसिकली अब उसने मुझे एक ज्योमेट्री बना के दे दी पॉलीगॉन में और उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स थे वो 50 करके रखे. तो क्वालिटी आपको बड़ी उसकी लो हमें मिल रही है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वॉन्ट टू डू दैट. इसी तरह से अगर आप फिर इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 करा दिया एंड हिट अप्लाई, तो अब आपको वही चीज़ मिलेगी पर ना उसमें थोड़े से सेगमेंट ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी बेहतर होगी. फिर वही चीज़ हम करते हैं कि इन तमाम पॉलीगॉन्स, अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली फ्लैट सरफेस बना के दे रहा है, ठीक है. फिर हम करते ये हैं कि इन तमाम पॉलीगॉन्स को किया सेलेक्ट और फिर हम आ जाते हैं एक्सट्रूड के अंदर और इनको हम एक्सट्रूड करवा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि फिर ये मेरे पास एक थिक एक्सट्रूडेड सर्फेस की सूरत में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए. W, ठीक है. तो समटाइम्स बिल्कुल पतला आपको कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, समटाइम्स आप चाह रहे हो कि वो इम्बोज्ड होते हुए बड़े ठीक से नजर आए. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इवन इन व्हेन यू क्रिएट टेक्स्ट. तो जब आप टेक्स्ट भी क्रिएट करने जाओगे तो आपको नर्व्स को पॉलीगॉन के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ जाता है और शेप के हिसाब से आपको काम करना पड़ जाएगा. ये बेसिक सेटिंग्स है इसकी जब आप नर्व्स या पॉली के साथ डील कर रहे होते हो. दैट शुड ठीक, यहाँ पे बात समझ में आ गई. चलो अच्छी,